हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। नए प्लांट की केयर के साथ आई हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा प्लांट वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और जिन्होंने मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा प्लांट वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मेरे बहुत सारे प्लांट वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, चाहे वो फूल देने वाले प्लांट्स हों या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो। हर तरह के प्लांट्स की मैंने कंप्लीट केयर शेयर की हुई है। और साथ में जो बागवानी शुरू करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं गार्डनिंग में, उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए हुए हैं। आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, गार्डनिंग विद गीत कुमार, सारे प्लांट वीडियोज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज कंप्लीट केयर शेयर करने वाली हूँ कनेर प्लांट की। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने रूम के अंदर, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो पहले तो ये दिखाऊँ कि ये बेगम बहार का प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पर्पल कलर के फ्लावर्स आए हैं इसमें और बर्ड्स भी बहुत बने हुए हैं। और ये अरेका पाम है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, नासा द्वारा अप्रूव प्लांट है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे, इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे सनलाइट आता है सुबह से, सुबह 1 घंटे की हल्की धूप आती है, इसलिए मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पे रखा हुआ है फ्रेंड्स। और एयर प्यूरिफाइंग है इसलिए भी रखा हुआ है। तो ये कनेर प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वराइटीज़ होती हैं। वराइटीज़ दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल और एक ड्वार्फ। ड्वार्फ में छोटे प्लांट्स होते हैं और उसमें छोटे प्लांट्स में ही, छोटे पौधे में ही फूल आते हैं। और नॉर्मल साइज़ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं ट्रीज़ की तरह, और उसमें फ्लावरिंग होती है। सनलाइट की बात करूँ तो ये गर्मियों का प्लांट है फ्रेंड्स, गर्मियों में ही फूल देता है और विंटर सर्दियों में ये अपने डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, तो सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो गर्मियों में ये फूल देता है। तो गर्मियों में फूल देने के लिए इसको जितना ज़्यादा आप धूप दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये फूल आप लोगों को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगा, अच्छे फूल देगा आप लोगों को। तो धूप इसे जितना ज़्यादा दें उतना अच्छा है इस प्लांट के लिए। पानी की बात करूँ तो ना ज़्यादा पानी दें इस प्लांट को और ना ही कम पानी दें, बैलेंस्ड वे में पानी डालें, इसकी मिट्टी ना सूखने पाए और ना ही ज़्यादा सौगी होने पाए, गीली होने पाए। प्रोपोगेशन की बात फिर करती हूँ फ्रेंड्स। तो प्रोपोगेशन इसकी आप कटिंग लगाएं, कटिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इस प्लांट की। और ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं फ्रेंड्स, बहुत तरह के रंग में आते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीला, तो इन सारे कलर्स में ये फूल वाले पौधे मिलते हैं नर्सरीज में, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। अभी अच्छा, अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो ये अच्छा टाइम है नए प्लांट खरीदने का भी, तो आप लोग ले सकते हैं। पॉटिंग मिक्स के लिए बताऊं फ्रेंड्स, तो ये प्लांट जब भी आप लेके आते हैं लगाने के लिए तो वेल ड्रेन पॉट लें और पॉटिंग मिक्स ऐसी बनाएं जिसमें पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। तो मैंने अपने सारे ही प्लांट वीडियोस में बताया हुआ है फ्रेंड्स कि पॉटिंग मिक्स किसी भी प्लांट की आप बनाएं तो हमेशा वेल ड्रेन पॉट में लगाएं, और पॉटिंग मिक्स में हमेशा रेत मिला लें। अगर आपके पास रेत है, बजरी, सैंड, सब रेत का ही नाम है, उसमें एक हिस्सा मिला लें, या फिर कोकोपीट मिला लें अगर बजरी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, कोकोपीट आधा आधा मिट्टी, गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें थोड़ी सी मिला लें और फिर इसकी रिपोर्टिंग करें, तभी अच्छी ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइज़र की बात करूं फ्रेंड्स तो फर्टिलाइज़र इस प्लांट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, आप फरवरी के महीने में अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है इस पौधे को तो इसकी गुड़ाई करके अच्छे से इसमें डाल दें, इसमें फर्टिलाइज़र गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें। अगर आपने पॉट में लगाया है तो भी आप फरवरी के टाइम पे इसमें अच्छे से गमले के हिसाब, साइज़ के हिसाब से आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट आपके पास खाद के रूप में है तो आप इसमें डाल सकते हैं फरवरी के महीने में अच्छे से। और फिर बाकी दिनों में हर 10 से 15 दिनों में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया हुआ है NPK फ्रेंड्स, वो आप डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के, जिसके सारे पत्तों पे आप डाल दिया करें हर 10 से 15 दिन में, फ्लावरिंग सीजन के लिए मैं बता रही हूँ। और पत्तों पे स्प्रे करने के बाद जो पानी बचता है वो इसके जड़ों में डाल दिया करें फ्रेंड्स,
तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, इस प्लांट में कैटरपिलर और पेस्ट बहुत लगते हैं। तो आप नीम ऑयल है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं इस प्लांट पे, या फिर आप कोई भी आपके पास दवाई अगर है पौधों के लिए, जो दवाई आपने रखा है वो आप उसमें मात्रा लिखी होती है बॉटल में, उस हिसाब से आप लेके आप हर महीने इसमें पानी में डिजोल्व करके इसके ऊपर स्प्रे कर दिया करें, तो आपका प्लांट बचा रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छा सीज़न है ये गर्मियों का। इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत कलर्स में तो मिलते ही हैं, बहुत वैरायटीज़ भी होती है। गर्मियों में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स भी मिलते हैं, गर्मियों के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो ख़ास तौर से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स। ये मैंने कुछ प्लांट वीडियो में मैं दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ प्लांट्स हैं मेरे, अच्छे से दिखाती हूँ। ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, ये देखिए। तो यही वीडियो था और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।